प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक्स और वाई इसकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। एक्स पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू यूनिट्स। वाई पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू यूनिट्स। इस पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी इंटेंसिटी है ई नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑन आइदर प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी की थिकनेस टी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच, तो ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगी। कैसे? दरअसल ये नेगेटिव प्लेट डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये स्लाइटली सेपरेट हो जाते हैं। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए तो ये क्या बन गया? ये डाइपोल बन गया। तो पूरे डाई इलेक्ट्रिक में जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डाइपोल्स बन गए। कुछ ऐसी डाई इलेक्ट्रिक्स भी होती हैं जैसे कि अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इन डाइइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो सेपरेटेड होती हैं। ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं और ये जो डाइपोल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दोनों ही तरह की डाइइलेक्ट्रिक्स, चाहे वो पोलर हों या नॉन पोलर हों, एक ही तरह से बिहेव करती हैं। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है। ये टॉर्क अलाइन करेगा इन टाइनी डाइपोल्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी डायरेक्शन में ये इनको अलाइन करेगा। और जब ये डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में ये टॉर्क जो पहले एक्ट कर रहा था P इंटू ई नॉट इंटू साइन थीटा, उस केस में जब ये अलाइन हो जाएंगे तब ये टॉर्क एक्ट करना बंद कर देता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केस में एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स ज़ीरो। तो अब ये अलाइन हो गए। ये किस तरह से अलाइन होते हैं? विद देयर पॉजिटिव चार्ज नियर द नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज नियर द पॉजिटिव प्लेट। ये जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये अंदर जो है चार्ज ज़ीरो हो जाता है और डाइइलेक्ट्रिक के साइड्स पर, इस साइड पर ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और दूसरी साइड पर ये पॉजिटिव चार्ज ये अपीयर हो जाता है। इस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको कि हम ईपी कह रहे हैं, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, कम कर देगा। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ई पी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक जहाँ पर है, डाई इलेक्ट्रिक में कितना फील्ड होगा ई, और जिस रीजन में, जिस स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ई नॉट। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटी सी इज इक्वल टू, हमने पिछली बार डिराइव किया था जब हमने कंसिडर की थी प्लेट्स के बीच में एयर,
उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन आया था एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब इस कैपेसिटी को हम डिनोट कर लेते हैं सी नॉट से, क्योंकि हमने यहाँ बात करनी है दो तरह की कैपेसिटीज़ की, उनको कंपेयर करना है। सी नॉट तब कैपेसिटी जब प्लेट्स के बीच में एयर है। और चलिए अब कैलकुलेट करते हैं सी एम व्हेन देयर इज डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज को हमें पता है, हम लिखते हैं, हम पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की जगह हम लिख लेते हैं सिग्मा इंटू ए। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या लिखें, पिछले लेक्चर में हमने लिखा था वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। वहाँ पर डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ई था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट माइनस ई पी, और यहाँ बाकी रीजन में है ई नॉट। तो हम दो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। एक हमने लिख लिया डाइइलेक्ट्रिक में, डिस्टेंस है टी, थिकनेस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ई इंटू टी, प्लस बाकी के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और बाकी डिस्टेंस कितना बचा, ये टी है, ये टोटल डी है, तो ये जो डिस्टेंस टोटल मिला के ये वाला और ये वाला बन गया d माइनस टी। सी एम कितना आ गया, सिग्मा ए ओवर e नॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया d माइनस टी प्लस यहाँ डिवाइड हो जाएगा e नॉट से, तो ये आ जाएगा e ओवर e नॉट इंटू टी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एप्सिलॉन आर और के। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। ये वैसा ही रिलेशन है जो हमने निकाला था रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ये इंटेंसिटीज की रेशियो है। तो यहाँ से हम ई ओवर ई नॉट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा वन ओवर एप्सिलॉन आर, और इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सी एम कितना आ गया, इक्वल टू सिग्मा ए, ई नॉट कितना है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई ओवर ई नॉट। ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सी एम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, यहाँ पर वन ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई ओवर ई नॉट को हमने लिखा वन ओवर एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो ये सी एम आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर एप्सिलॉन आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। चलिए स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, इफ टी बिकम्स इक्वल टू डी, मतलब इस पूरे स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, उस केस में सी एम कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी की जगह लिखा डी, प्लस इस टी की जगह भी डी लिख दिया, डी ओवर एप्सिलॉन आर।
ये आ जाएगा सी एम इज इक्वल टू, ये डी कैंसल हो जाएगा, एप्सिलन आर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट ए ओवर ये आ गया डी। तो ये क्या है, सी एम इज इक्वल टू एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट ए ओवर डी, क्या है सी नॉट कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द स्लैब्स। तो हमने देखा कि स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से पूरे इस डिस्टेंस में, पूरे प्लेट्स के पूरे डिस्टेंस में, पूरे स्पेस में, तो ये एप्सिलन आर टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटी।